आज का जो थीम था वो प्यार मोहब्बत इश्क उससे रिलेटेड. तो मैंने जो आज अपनी पोयम जो मैंने चूज करी, आई थॉट आई विल नरेट अ पोयम जो मैंने काफी पहले लिखी थी, जाने न दो. एंड वो डायरेक्टली प्यार से रिलेटेड तो नहीं है, बट तकरार जो कि प्यार का ही एक बाय प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड है. तो जाने न दो, दैट्स व्हाट इट इज अबाउट. सो आपने कभी शायद कभी नोटिस किया होगा, आई एम श्योर किया ही होगा, कि दो बच्चे जब आपस में ऐसे खेल रहे होते हैं तो खेलते खेलते उनमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है. एंड बच्चे होते हैं तो जल्दी से मामला सुलझ भी जाता है, निपट जाता है, एक दूसरे को मना लेगा या दूसरा पहले वाले को मना लेगा, तो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाती है चीजें. एंड देन वी ग्रो अप, और एज वी लाइक टू थिंक दैट वी ग्रो अप एंड थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में. तो उलझने जो होती हैं वो इतनी आसानी से नहीं सुलझती. कभी हमारा ईगो आड़े आ जाता है, या फिर कभी मैं सही तुम गलत की जो जिद होती है वो आगे आड़े आ जाती है. एंड अल्टीमेटली व्हाट इज लेफ्ट एट स्टेक इज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. सो थोड़ा इधर प्यार तकरार उसी से रिलेटेड ये पोयम है, जाने न दो. तो कुछ यूं कहा है, थोड़ा लड़ लो थोड़ा झगड़ लो, थोड़ा लड़ लो थोड़ा झगड़ लो, कुछ कह दो कुछ सुन लो, पर यूं खामोश ना रहो. मैं तुम्हारे लिए कुछ तो बनी रहूं, तुम मेरे लिए कुछ तो बने रहो. तुम उस करवट मैं इस करवट, तुम उस करवट और मैं इस करवट, और बीच में अनबन की सलवट. थोड़ा तुम पलटो थोड़ा मैं पलटूं, मैं तुम्हें मना लूं तुम मुझे मना लो. तीखी सी नजर कटे से अल्फाज, तीखी सी नजर कटे से अल्फाज, हवा में सर्दी अकड़े से अंदाज. थोड़ा तुम झुको थोड़ा मैं झुकूं, मैं तुम्हें गिरने से बचा लूं तुम मुझे गिरने से बचा लो. अह की गर्मी, अह एज एन ईगो अहंकार, अह की गर्मी झूठी जिद की पकड़, पहले तुम की ऐंठ पहले मैं की अकड़. अह की गर्मी झूठी जिद की पकड़, पहले तुम की ऐंठ पहले मैं की अकड़. थोड़ा तुम सरको थोड़ा मैं सरकूं, मैं तुम्हें बांध लूं तुम मुझे बांध लो. दिल में गुबार मन में 100 शिकायतें, दिल में गुबार मन में 100 शिकायतें, फीकी सी हंसी रूखी सी मुस्कुराहटें. चलो थोड़ी मैं पहल करूं थोड़ी तुम पहल करो, मैं तुम्हें रोक लूं तुम मुझे रोक लो. थोड़ा लड़ लो थोड़ा झगड़ लो, कुछ कह दो कुछ सुन लो, पर यूं खामोश ना रहो. मैं तुम्हारे लिए कुछ तो बनी रहूं, तुम मेरे लिए कुछ तो बने रहो. थैंक यू. बहुत अच्छे मीन। बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू. टू गुड। एक मुझे अमेजिंग. व्हेन यू वर नरेटिंग दी पोएट्री ना, मुझे आई मस्ट हैव सीन दैट ओल्ड मूवी ऑफ राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, आविष्कार। आविष्कार गुड इवनिंग ऑल ऑफ की यू. याद आ रही थी मेरे को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर. आविष्कार। सो मेरे को उसकी याद आ रही थी मूवी की, तुम इस करवट मैं इस करवट, बीच में दरार सलवट। आई मीन दैट वाज, इफ यू हैव सीन दैट मूवी मीनू, यू हैव सीन दैट मूवी। हो सकता है मैंने गाने, हो सकता है अगर मैं याद हो, उसका मुझे गाना मूवी बताता ध्यान हूँ, नहीं आ रही. उसका गाना बताता हूँ, याद आ जाएगा आपको। हंसने की क्या चाहने बात है. इतना मुझे रुलाया है, कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है, हंसने की चाहने इतना मुझे रुलाया है। या बहुत या बढ़िया पोएट्री है, मुझे ऐसा लग रहा था बहुत बढ़िया। मूवी
आपने दिखा दी मेरे को फिर से अविष्कार मूवी. मतलब उसके अंदर भी इट्स जस्ट ईगो, कुछ भी नहीं था उसके अंदर मूवी में. मतलब एक दूसरे के से मिसअंडरस्टैंडिंग्स और होता कुछ नहीं. लास्ट एंड क्या होता है उसके अंदर, ही ब्रिंग्स बुके फॉर हर और वो बाहर ही छोड़ के आ जाता है. तो नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शी गोज आउट तो वो देखती है बाहर बुके पड़ा हुआ है एंड देन ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग गोज एंड द मूवी एंड्स देयर. या या ब्यूटीफुल पोएट्री थैंक यू या ज्यादातर हमारी लाइफ में ऐसे ही होता है स्पेशली जब एडल्ट्स होते हैं कि छोटी सी बात होती है और कुछ कोई बड़ी बात नहीं होती है. इट्स जस्ट वन पर्सन वेट्स की ये सामने वाला पहल करेगा, वो वेट करता है कि ये पहल करेगा. ईगो ईगो में यू नो मीनू एक्चुअली मुझे उतना हिंदी नहीं आती है बट फिर भी व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम योर पोएम इज लाइक यू नो फॉर अ बेटर रिलेशनशिप एंड एन एवरलास्टिंग रिलेशनशिप गिव एंड टेक पॉलिसी इज नीडेड इसन्ट इट and yes. adjustments and understanding and taking initiative from our side. Absolutely. This is what I understood. Yes. And I like these lines. Kuch keh do, kuch sun lo, par khamosh na rekh do. Then that line, those lines I like. And another one, main tumhe girni se baja lo, tum mujhe girni se baja lo. Yeah. These lines I like. Thank you, Shaji. Thank you. Very nice. Thank you. मीनू मैं आपकी कविता के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि जो आपने मैसेज इस कविता में दिया है, जो भाव व्यक्त किए हैं, यदि हम रियली लाइफ में सभी कपल्स इंप्लीमेंट कर लें तो हमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए और कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है. सारा सार आपने इस कविता में ही कवर कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से. थैंक यू राकेश जी. मीनू जी मैंने जितना इसको अंडरस्टैंड किया, मैंने इसको पूरा तो नहीं सुना, जितना भी मैंने लास्ट में सुना इसको उससे मेरे को ऐसा लगा कि एक इसमें पेशेंस आ रहा था कि वन शुड बी पेशेंस एंड वन शुड एडजस्ट एंड सेक्रीफाइस. मतलब ये तीनों चीजें अगर आती हैं लाइफ में, एक दूसरे के लिए हम सेक्रीफाइस कर लेते हैं, पेशेंस रहते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, तो लाइफ बड़ी स्मूथली चलती है. अदरवाइज अगर हम पेशेंस नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, तो फिर लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. वन शुड बी एडजस्ट. ज्योति, वर यू एबल टू हियर द एंटायर पोएट्री? यस यस, आई वाज जस्ट वेटिंग कि मैं बोलूं. या प्लीज, सबने बहुत अच्छा बोला, उषा मैम ने बोला, राकेश सर ने बोला, रहेजा सर ने बोला. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. लाइक सर ने जैसे कहा कि अगर हम जो भी आपने बोला इम्प्लीमेंट करें, हम कपल अपनी लाइफ में या कोई भी अपने रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप हो, दैट रिलेशनशिप कैन बिकम मैजिकल. देयर विल नॉट बी एनी फ्लॉ. इवन हम उसका आधा भी अप्लाई कर लेना, लाइक चुप ना रहें, बस बोल दें व्हाटएवर इज देयर, जस्ट बिकॉज दैट ओनली क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग. और होता कुछ भी नहीं है, जस्ट कीप सेइंग इट, इवन इफ इट इज बैड, जस्ट लेट इट आउट. सो दैट विल बी amazing. I mean that's really good and your voice is very nice. और आपने जैसे बोला with expressions and all, it was amazing. Thank you. मीनू मैडम, आपकी कविता के लिए कुछ कहना चाहूंगा. जरूर. एक तो आप बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति तो हैं ही, व्यक्तित्व है आपका बड़ा संवेदनशील, बट आपके जो टॉपिक्स आप टच कर रही है ना, दे आर सो अपीलिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट. और जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं एंड द वे यू डू इट, इट्स रियली मार्वेलस, ब्यूटीफुल, हार्ट टचिंग. थैंक यू विमल जी, शुक्रिया.